बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 71 सीटों पर बुधवार को मतदान खत्म हो जाने के बाद अब बीजेपी की निगाहें दूसरे और तीसरे चरण की सीटों पर हैं। बीजेपी आखिरी के दोनों चरणों में पहले से कहीं ज्यादा ताकत झोंकने की तैयारी में है। वजह के बारे में सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेताओं को एनडीए के मुख्य सहयोगी जदयू की जमीनी रिपोर्ट के बारे में कुछ निगेटिव इनपुट मिले हैं। ऐसे में बीजेपी और ज्यादा ताकत झोंक कर चुनाव में एनडीए को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना चाहती है। बिहार में कुल 243 में से अभी 3 और 7 नवंबर को कुल 172 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी दूसरे और तीसरे चरण में अपने 30 स्टार प्रचारकों से अधिक सभाएं कराने की तैयारी में है। घर घर जाकर प्रचार के लिए भी विशेष तौर पर रणनीति बनाई जा रही है। कुछ स्टार प्रचारकों के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण बीजेपी के चुनाव प्रबंधन पर कुछ असर पड़ा है। इससे पार्टी की चिंता बढ़ गई है। लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण आइसोलेशन में गए सुशील मोदी, शहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूड़ी जैसे नेताओं की भरपाई दूसरे स्टार प्रचारकों से बीजेपी करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर और 3 नवंबर को रैलियां कर दूसरे और तीसरे चरण के चुनावों के लिए माहौल बनाएंगे। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिख रहा है। हालांकि लोग जदयू से भले नाराज हैं, लेकिन बीजेपी से नहीं। ऐसे में पार्टी अधिक से अधिक जनसंपर्क और सभाओं के जरिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।